हेलो गाइज, मैं आशुतोष आप लोगों के बीच लाए हैं आज कैलेंडर बनाने के तरीका। सबसे पहले ध्यान समझिएगा, एमएस वर्ड खोल लीजिएगा। यहाँ से एमएस वर्ड खोल लीजिएगा। खोलने के बाद ध्यान समझिएगा कैसे बनाना है। यहाँ से सबसे पहले इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद एक टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम में 6 रखना है और नंबर ऑफ रो इसमें रखना है 8 रखना है और यहाँ से ओके कर देना है। ये आ गया। उसके बाद यहाँ से ये दिख रहा है डबल एरो, उसके बाद इससे हमको साइज को क्या कर लेंगे, थोड़ा बड़ा साइज कर लेंगे कैलेंडर टाइप पे। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लेआउट में जाएंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से जाने के बाद मर्ज सेल पे क्लिक कर दी, ये मर्ज हो गया। अब उसके बाद यहाँ से लिखेंगे जनवरी, यहाँ से लिखेंगे जनवरी। जनवरी लिख दिए। यहाँ से लिखेंगे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद यहाँ से नंबर डाल देंगे, नंबर डाल दिए 1, 2, 3, फटाफट डाल दीजिएगा 4। फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटी, एट्टी, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, 26, 27, 28, 29, 13, हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये दिख रहा है डबल एरो, उस पर क्लिक करना है। दिख रहा होगा ये ड्रैग, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से होम में जाना है। होम में जाने के बाद राइटिंग को बड़ा करना है, ये टेक्स्ट पर क्लिक करना है, राइटिंग कुछ बड़ा कर लेना है। उसके बाद ये राइटिंग को चेंज करना है जो कैलेंडर जैसा दिखे, एलेग्रियन रखना है। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद सेंटर में आ जाना है। सेंटर यहाँ से आ जाइएगा, सेंटर में इसको कर दीजिएगा। यहाँ से ये हो गया कि ये यहाँ से इसको मान लीजिए कि यहाँ से ले लिए और इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद इसको रखिएगा सेंटर में। जनवरी 2020 का बना रहे हैं ना, 2020 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसमें क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डिजाइन खुला हुआ है और डिजाइन में जाने के बाद ये डिजाइन चूज करेंगे, कैलेंडर का डिजाइन चूज कर लेंगे। सबसे पहले एक और बना लेते हैं, उसके बाद डिजाइन चेंज करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से लिखा हुआ कॉपी, और यहाँ से इसके बाद नीचे आने के बाद एक बार इंटर मारकर
अब पेस्ट कर देना है। यहाँ से पेस्ट पे क्लिक किए, आ गया जनवरी। यहाँ से इसको जनवरी को चेंज कर देना है। फरवरी कर दिए, और फरवरी करने के बाद अब इसमें एक और लेते हैं, मार्च तक रखना जरूरी है। यहाँ से तीन बनाइएगा, जो भी बनाइएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार और इंटर मार दिए, और यहाँ से पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसमें कट गया का पेज जो है, हो गया। अब इसका जो है डिजाइन चेंज कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद डिजाइन में जाना है, और यहाँ से चूज कर कर कैलेंडर का डिजाइन, पहला डिजाइन ये रखना है, और यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से बॉर्डर बॉर्डर कर दिए। फिर इस पर आ जाइएगा, इसका कलर दूसरा कलर रखना है। यहाँ से जाने के बाद डिजाइन में जाना है, और यहाँ से इसको रख लेंगे रेड, या इस तरीका से जैसा कैलेंडर जैसा दिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका देखिएगा कैलेंडर जैसा आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।